तो दोस्तों इस साल टीम आरसीबी का प्रदर्शन काफी ज्यादा बेहतरीन रहा था। दोस्तों टीम आरसीबी के हर खिलाड़ी ने काफी ज्यादा शानदार प्रदर्शन किया है और दोस्तों लग रहा था कि साल टीम आरसीबी जब अपना खिताब जरूर जीतेगी, लेकिन दोस्तों कोरोना की वजह से पूरे आईपीएल को ही सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से आईपीएल की स्टार्टिंग हो रही है यूएई के अंदर है, और ऐसे में दोस्तों टीम आरसीबी को लेकर आईपीएल 2021 के शेड्यूल को लेकर आरसीबी के दो नए खिलाड़ियों को लेकर नेट बॉलर्स को लेकर और सलमान भट्ट को लेकर यहाँ पर दोस्तों काफी बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स निकल कर सामने आ गई। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन सभी खबरों के बारे में विस्तार से नॉलेज देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग होने वाली है सभी आरसीबी के फैंस के लिए। तो दोस्तों अगर आप भी हैं आरसीबी के एक बड़े वाले फैन और वेट कर रहे हैं आईपीएल 2021 का, तो कर दीजिए हमारी वीडियो को एक लाइक और आईपीएल जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिक ट्रिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो दोस्तों बात करूं आज की हमारी पहली बड़ी खबर के बारे में, तो दोस्तों ये निकल कर सामने आ रही है आईपीएल 2021 के शेड्यूल को लेकर। दरअसल दोस्तों काफी बड़ी बड़ी यहाँ पर स्पोर्ट्स वेबसाइट का दावा है कि यहाँ पर दोस्तों इस हफ्ते आपको फाइनली यहाँ पर दोस्तों आईपीएल 2021 का शेड्यूल है यहाँ पर फेज टू का वो दोस्तों सामने आता हुआ दिखाई देगा। दरअसल दोस्तों यहाँ पर 7 से 8 जुलाई तक आपको डेफिनेटली जो है वो दोस्तों शेड्यूल हो जाएगा रिलीज। हाँ जी दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ बीसीसीआई ने अपडेट दे दिया, और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर सामने आया दोस्तों शेड्यूल को लेकर। दरअसल दोस्तों 3 ऐसी टीमें निकल कर सामने आई, 3 ऐसी टीमों का नाम निकल कर सामने आए हैं जिनका कि दोस्तों काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ है शेड्यूल को देखकर। दरअसल दोस्तों बात करें तीनों टीमों के बारे में, तो दोस्तों इनमें शामिल है चेन्नई सुपर किंग्स, टीम आरसीबी और टीम दिल्ली कैपिटल्स। दरअसल दोस्तों इन तीनों ही टीमों के जो डबल हेडर मुकाबले हैं वो दोस्तों सबसे कम रखे गए हैं। दरअसल दोस्तों डबल हेडर मुकाबले ना होने की वजह से इन तीनों टीमों को सबसे कम यहाँ पर दिन में मुकाबले खेलने पड़ेंगे, और इसी कारण काफी ज्यादा बेनिफिट इनको हो गया है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि यूएई में काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है, और इसी कारण कोई भी खिलाड़ी कोई भी टीम यहाँ पर दिन में जो मुकाबले नहीं खेलना चाहती है, क्योंकि दोस्तों ने काफी ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ेगा अगर वो ऐसा करते हैं तो। और ऐसे में दोस्तों ये तीन टीमें ऐसी है जिनके की यहाँ पर दोस्तों डबल हेडर जो मुकाबले हैं काफी कम रखे गए हैं, और इसी कारण शेड्यूल को लेकर ये तीनों टीमें जो काफी ज्यादा अपनी सहमति जता चुकी हैं। और दोस्तों इस हफ्ते के अंदर आपको यहाँ पर ऑफिशियली जो है रिलीज होता हुआ दिखाई देगा आईपीएल 2021 का यूएई का जो शेड्यूल है। तो दोस्तों आप शेड्यूल के लिए एक्साइटेड है कि नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बात करूं आज की हमारी दूसरी बड़ी खबर के बारे में, तो दोस्तों ये निकल कर सामने आ रही है सलमान भट्ट की तरफ से। दरअसल दोस्तों सलमान भट्ट एक पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर हैं, और दोस्तों हाल ही में यहाँ पर टीम इंडिया के ऊपर इंडियन क्रिकेट के ऊपर उन्होंने एक बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब बचा हुआ जो आईपीएल है, बचे हुए जो 31 मुकाबले हैं यहाँ पर दोस्तों आईपीएल 2021 के, वो दोस्तों हमें यूएई के अंदर होते हुए दिखाई देने वाले हैं। और दोस्तों इसी के साथ आप जानते हैं कि यहाँ पर यूएई के अंदर ही यहाँ पर आईपीएल के खत्म होने के बाद T20 जो वर्ल्ड कप है वो खेला जाएगा। और ऐसे में दोस्तों पर सलमान भट्ट का कहना है इस चीज से कि यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर टीम इंडिया को और इंडियन प्लेयर्स को इसका काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर दोस्तों वर्ल्ड कप में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यूएई की पिचों पर यहाँ पर दोस्तों यूएई के अंदर होने वाले आईपीएल के कारण उनको यहाँ पर यूएई की पिच को काफी अच्छे तरीके से वो जान जाएंगे, और वो कैसे खेलना है इस तरीके से काफी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे यूएई की पिचों को, और इसका काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उनको वर्ल्ड कप के अंदर। और ऐसे में अगर यहाँ पर वर्ल्ड कप होता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इंडियन खिलाड़ियों को यानी टीम इंडिया के जीतने के सबसे चांसेस मुझे लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर टीम इंडिया के खिलाड़ी भी काफी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, और इंडियन क्रिकेट की तो खासियत ही यही है। और इसी के साथ मुझे लगता है कि यहाँ पर इस बार अगर वर्ल्ड कप जो यूएई के अंदर हो रहा है तो इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है टीम इंडिया को ही मिलेगा, और मेरे हिसाब से इस साल जो वर्ल्ड कप है टीम इंडिया जीत सकती है, इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस जो है मुझे नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सलमान भट्ट ने एक बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर दोस्तों इंडियन क्रिकेट के ऊपर कह दिया, टीम इंडिया के ऊपर कह दिया। तो दोस्तों इससे आप सहमत है कि नहीं दोस्तों, इसके रिगार्डिंग आपके जो भी ओपिनियन होंगे हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों बात करूं आज की हमारी तीसरी और आखिरी सबसे बड़ी खबर के बारे में, तो दोस्तों ये निकल कर सामने रहे यूएई के दो प्लेयर्स को लेकर।
लेकर। दरअसल दोस्तों यहाँ पर यूएई के जो दो प्लेयर हैं उनको यहाँ पर आईसीसी ने बैन कर दिया है 8 साल के लिए, क्योंकि दोस्तों एंटी करप्शन में दोषी पाए गए थे। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं कि इन दो प्लेयर्स को बैन हो जाने के बाद यूएई के साथ साथ यहाँ पर दोस्तों टीम आरसीबी और टीम एमआई को एक बहुत ही बड़ा झटका लग गया है। दोस्तों बात करूँ इन प्लेयर्स के बारे में तो दोस्तों ये हैं अमीर हजरत और दूसरे दोस्तों अशफाक अहमद। दोस्तों ये दोनों ही प्लेयर्स को यहाँ पर दोस्तों नेट के अंदर गेंदबाजी करने के लिए, बॉलिंग करने के लिए यहाँ पर दोस्तों टीम आरसीबी और टीम मुंबई इंडियंस ने हायर कर लिया था। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर आईसीसी ने इन दोनों ही खिलाड़ियों के ऊपर यहाँ पर दोस्तों लगभग 8 साल का बैन लगा दिया है। और इसी कारण अब दोस्तों यहाँ पर मुंबई इंडियंस और टीम आरसीबी को कोई और गेंदबाज ढूंढना पड़ेगा जो कि यहाँ पर दोस्तों उनके लिए नेट बॉलिंग कर पाएगा। और ऐसे में दोस्तों अब यहाँ पर इनकी भी तलाश करनी पड़ेगी। हालांकि दोस्तों इनको हायर तो कर लिया था लेकिन अचानक से ही यहाँ पर दोस्तों एंटी करप्शन में दोषी पाए गए और इसी कारण आईसीसी ने इनको बैन कर दिया है। तो दोस्तों ऐसे में यहाँ पर टीम आरसीबी और मुंबई इंडियंस को एक बहुत ही बड़ा झटका लग गया है। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपके क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये तो थी आज की हमारी ओवरऑल वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको आज के यहाँ पर टीम आरसीबी से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के बारे में बता दिया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा।